केन्द्रीय आंडमान सागर रे सृष्टि होइछि घूर्णिबलय घनीभूत हो पूर्व केन्द्रीय बंगोपसागर और उत्तर आंडमान सागर रे आसंता 21 तारीख सुधा लघुचाप क्षेत्र सृष्टि हेबो। एहा उत्तर पश्चिम दिगरे मुहाई 23 तारीख बेलकु अवपात्र रूप नेबो। एभली किछि पूर्वानुमान करिछि भारतीय पाणिपाग विभाग। तेबे आगुकु केते शक्तिशाली हेबो आउ बात्या कुआडे मुहाइब एने किछि स्पष्ट आकलन करा जाय नहि। विभिन्न मॉडल भिन्न भिन्न आकलन देखाउछंती। अधिकांश मॉडल बात्या हेबा नै पूर्वानुमान करिछंती, किछि दर्शाउछन जे एहा ओडिसा मुहा हेबो। तेबे आउ किछि पश्चिम बंग बांग्लादेश मुहाइबार संभावना बोली कहउछंती। तेबे बात्या प्रबण मासरे बदलुछि पाणिपागर गतिविधि। केन्द्रीय आंडमान सागर रे घूर्णी बलय सृष्टि होई एबे संभाव्य लघुचाप मुहा हेउछि, जहां अवपात्र रूप नै 23 तारीख रु उपकूल ओडिसा रे वर्षा कराइबो। तेबे नाना आशंका और नाना चर्चा भितरे केन्द्रीय आंडमान सागर उपरे भासमान मेघ खंड बढ़ाइलेनि आशंका, कारण एठाकार वायुमंडल उपरी भाग रे 5.8 किलोमीटर जाए व्यापी घूर्णी बलय। दिनक परे अर्थात आसंता 21 तारीख बेलू बंगोपसागर रे सृष्टि हेब लघुचाप क्षेत्र, जहां उत्तर पश्चिम दिगकु गति करि 23 तारीख रे अवपात्र रूप नेब बोली भारतीय पाणिपाग विभाग महानिर्देशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र कहिसंती। तेबे 23 तारीख बेलू समुद्र मध्य पवन बेग रहिब घंटा प्रति 45-50 किलोमीटर। एहा परे 23-25 तारीख मध्य उपकूल ओडिसा रे वर्षा हेबो। लघुचाप प्रभाव उत्तर आंध्र ओडिसा पश्चिमबंग एवं बांग्लादेश उपर रहिबो, तेणु समुद्र मध्यरे थिबा मत्स्यजीवी 21 सुधा फेरी आसंतु बोली आईएमडी डीजी कहिसंती। तेबे बात्या संपर्क रे एजे से भली कोनोसी पूर्वानुमान करा जाय नथिबा बळे, जेहेतु एबे बात्या प्रबण मास, तेणु आसंता 21 तारिख रे लघुचाप सृष्टि हेला पर ही स्पष्ट हेबो बोली आईएमडी डीजी कहिसंती। आसंता 22 तारीख बेलू ही बात्यार वास्तविक चित्र सामना को आसिबो। जदि भी बात्या हुए तेबे ओडिसा रे प्रभाव रहिबो। अपर पक्षे आज ठारु 19 जिला 20-21 तारीख जाए संभाव्य घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। ता पूर्वरु येलो वार्निंग जारी करिछि पाणिपाग विभाग। ब्यूरो रिपोर्ट, प्रतिदिन टीवी।